आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी नौकरियों की। आप किसी भी राज्य से हो, इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट हो रही है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में। इस कॉलेज में फायरमैन, एलडीसी, स्टेनो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ड्राइवर और कुक के रेगुलर पद भरे जाने वाले हैं। आप इसके लिए अपना अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 सितंबर 2023। टोटल 44 वैकेंट पद भरे जाने वाले हैं और ये सारी की सारी पोस्ट रेगुलर फिल होने वाली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के 4 पद भरे जाएंगे, 2 अनरिजर्व रहेंगे और इसमें से एक एससी के लिए रिजर्व रहेगा और एक ओबीसी के लिए रिजर्व रहने वाला है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो, तो इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और साथ में आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए पे स्केल आपका रहेगा लेवल 4, जो कि होता है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये। अगर आप हिमाचल में पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं एचपी स्टेट कॉपरेटिव बैंक या एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की, तो आप इनके लिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट ऑनलाइन या पीडीएफ में बाय कर सकते हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से। हमारी ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। उस ऐप में आपको नंबर डाल के रजिस्टर करना है और फिर आप कोई भी कोर्स यहाँ से ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रेगुलरली स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। इस पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के 7 पद भरे जाने वाले हैं। इसमें अनरिजर्व मतलब कि जनरल के लिए 3 पोस्ट रहेगी, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट रहेगी, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रहने वाली है। एलडीसी के लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। पे स्केल लेवल 2 आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर के 5 पद भरे जाएंगे, अनरिजर्व के 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का और 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। पे स्केल लेवल 2 आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सुखाने का 1 पद भरा जाएगा और यह अनरिजर्व रहने वाला है। इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास स्विमिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का आपके पास बोट चलाने का अनुभव होना चाहिए। पे स्केल आपको दिया जाएगा लेवल 2 का। एज आपकी 18 से 25 वर्ष के बीच में रहेगी। फायरमैन के 16 पद भरे जाएंगे, अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट रहेगी, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी जरूरी है हैवी व्हीकल के लिए और कम से कम 6 महीने आपका यहाँ पर मेंटेनेंस, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, अप्लाइंस का एक आई थिंक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप फिज़िकली फिट होने चाहिए और फिज़िकल टेस्ट आपका होगा। आपकी हाइट विदाउट शूज़ 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके अलावा चेस्ट अनएक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर, चेस्ट ऑन एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर, कम से कम 50 kg आप होने चाहिए। इसके बाद आपका एक एंडोर्स टेस्ट होगा जहां पर आपको एक आदमी को उठाकर लेकर जाना होगा। आपको यहां पर 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट मतलब कि लॉन्ग जंप करना होगा, 3 मीटर आपको यहां पर क्लाइंबिंग करनी होगी, वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट। पे स्केल लेवल आपको यहां पर 2 दिया जाएगा। एज 18 से 27 वर्ष के बीच में रहेगी। कुक के यहाँ पर 3 पद भरे जाएंगे, तीनों ही पद अनरिजर्व रहने वाले हैं। आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए या आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए कुक ट्रेड का, फिर आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए। पे स्केल लेवल 2 आपको दिया जाएगा। 18 से 25 वर्ष के बीच में आपकी एज रहेगी। टेक्निकल अटेंडेंट का 1 पद भरा जाएगा, अनरिजर्व रहेगा और इसके लिए आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का, या आप 10वीं पास होने चाहिए, साथ में आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए किसी भी प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में काम करने का। पे स्केल लेवल आपको 1 दिया जाएगा। एज 18 से 25 वर्ष के बीच में रहेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के 7 पद भरे जाएंगे, 2 अनरिजर्व, 2 एससी, 2 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाला है।
आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए, पे स्केल लेवल 1 आपको दिया जाने वाला है। 18 से 25 वर्ष के बीच में आपकी एज रहेगी। अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा फॉर्म फिल करना है। फिर आपने क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, 10th प्लस 2 जबकि मार्कशीट होगी, डिप्लोमा होगा आईटीआई का, सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट या फिर डिस्चार्ज बुक, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको यहाँ पर लगाने हैं सेल्फ अटेस्टेड। और इसके अलावा आपने एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप लगाना है जो 10x22 सेंटीमीटर का होगा और उसमें आपने 22 रुपये की पोस्टेज स्टैंप लगानी है। आपने एप्लीकेशन में अच्छे से लिखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एड्रेस रहेगा द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरीज 643231 तमिलनाडु। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 सितंबर 2023। आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और तमिलनाडु में पोस्टिंग आपकी यहाँ पर होने वाली है।